वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर आयतन अबू। और आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक है। अनम अभी नींद से उठा इतना लेट में, 10:30 बजे उठा नम। अभी टाइम हो रहा 10:30, अपना अभी तक उठा नहीं बेड से, अभी जस्ट उठ के निकल रहे बेड, अभी तक ठीक नहीं किया मैंने, तो मैं थोड़ा देर बाद सब क्लीन कर देंगे। तो अनम अभी उठ के ही, अनम हेयर कम करो पहले, टॉयलेट लेके आ रहे, पहले तो हेयर कम करो। आ जाओ अनम का हेयर, जब सोते ना तो क्या हो जाते पता नहीं, सब खड़ा कर हो जाते। अनम अभी उसका पापा सो रहे, उस पापा के पास चला गया। अनम उधर मत जाओ, जल्दी आ जाओ, आज सर सैटरडे है, अनम का स्कूल छुट्टी है। तो मैंने सिंपल तरीका से हलवा बना दिया सबके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, और लंच के लिए क्या बनाऊंगी वो दिखाऊंगी फिर। और अनम खाना से पहले खेल लिया, वो खेला उसका जो गेम नहीं, वो गेम मिला उसको गिफ्ट में, उसका लिया दीदी ने उसको दे दिया, और ये बहुत इसका पसंद हुआ तो हर टाइम ये लेके ही बैठते हमेशा। हेलो फ्रेंड्स, अभी गुड आफ्टरनून, अभी बाज रहे 1 और अनम अभी खेल रहे टॉय के साथ। अनम ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी खेल रहे, और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, राइस हो गया, और उसके बाद मैंने ब्रोकोली एंड पोटैटो भाजी बनाएंगे और फिश करी बनाएंगे। आज हम घूमने जाएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कहाँ जाएंगे घूमने। तो मैंने फिश करी तो उस दिन दिखाया था कैसे बनाया, तो मैं सेम तरीका से फिश करी बनाऊंगी। क्या है मम्मा ये? अनम किचन में आया और अबू ने गया मार्केट में, रिलायंस मार्ट में, कुछ सामान ख़त्म हो गया था किचन का, जो ऑयल वगैरह जो जो कि नहीं हो लेने के लिए मुझे ज़रूरत का सामान होता है, तो सब कुछ तो ऑलमोस्ट है, सिर्फ कुछ ही सामान नहीं है, तो उसको लेने के लिए अभी गया, तो फिर दिखाएंगे के लेके आएंगे। अभी अनम खेल रहे, तो अभी घर का काम तो सारे ख़त्म नहीं हुआ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद ही हम बाहर जाएंगे घूमने। तो अनम खाने का जो टेबल है ना, उसका पोर सारे, उसका जो बॉटल बॉल गेम है ना वो रख दिया। बोला हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हम बात नहीं करेंगे। हाय व्यूअर्स, अभी मैं बाहर आया, कुछ सामान लेना है, रिलायंस मार्ट में भी जाना है, और एक चाकू एंड कटारी जो होता है नाइफ वगैरह वो भी ख़रीदना है, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से लेते हैं। अभी रिलायंस मार्ट आया मैं, कुछ ग्रोसरीज लेना है, तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या ग्रोसरी लेता हूँ आज। ये ट्रॉली मैंने ले लिया, ज़्यादा सामान है नहीं आज। अभी मैं लूँगा मखाना, 129 का प्राइस है, बट 79 में मिल रहा है ये। और लेंगे बेसन, बेसन बाई वन गेट वन है, 190 का प्राइस है, तो मैं अगर एक लेता हूँ तो हाफ प्राइस में मिलेगा। और लेना है मैदा, इसको भी बाई वन गेट वन है, और ये 1 किलो का पैकेट है। और लेना है ब्लैक पेपर पाउडर, ये ब्लैक पेपर पाउडर। और लेना है सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये टाटा का रॉक सॉल्ट काफ़ी अच्छा होता है। और लेना है नॉर्मल सॉल्ट, ये एक टाटा का सॉल्ट है, नीचे भी टाटा का है, तो मैं नॉर्मल वाला लेता हूँ। और लेना है राइस ब्रान तेल, इसमें ये सर्वोत्तम वाला हम लोग लेते हैं हमेशा, 2 पैकेट लेते हैं अभी, एक माह में लगभग 3 पैकेट भी चाहिए, कभी 2 पैकेट भी चाहिए, तो आई थिंक 2 पैकेट इनफ है अभी के लिए।
लगभग मेरा सारे कंप्लीट हो गया और देखता हूँ लिस्ट में और कुछ है क्या। और घी भी लेना है तो अभी हाफ किलो घी लेते हैं। ये गोवर्धन घी, ये काफ़ी अच्छा होता है, इंडिया में हर जगह मिलता है, कहीं भी रिलायंस मार्ट डी मार्ट में जाओ मिलेगा। तो इसका प्राइस जो लिखा है 390, बट यहाँ पे कुछ डिस्काउंट में मिलेगा। और चाहिए लौंग और इलायची, तो लौंग तो मुझे नहीं मिल रहा है कहाँ पे है, तो इलायची मिला है यहाँ पे। इलायची इसका कितना प्राइस है 99 का, तो कुछ डिस्काउंट में मिलेगा हमें। तो शॉपिंग मेरा लगभग हो गया, अभी जो लिक्विड सर्वे वो लेना है, देखते हैं यहाँ पे अगर छोटा है तो लेंगे। मुझे एक किलो ही चाहिए, नॉर्मल ये 2 किलो का डब्बा आता है। लिक्विड सर्व ये 2 किलो का डब्बा, ये पैकेट आता है, तो मुझे उतना नहीं चाहिए, 1 किलो चाहिए। तो 1 किलो के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ अभी कहाँ है। 1 किलो का पैकेट नहीं आता है, वो नॉर्मल ये इस तरह का डब्बा आता है, बट आई थिंक वो भी नहीं है अभी इनके पास। ओके, तो अभी मैंने कंफर्म किया तो 1 किलो का है भी नहीं। और मुझे लेना है पीनट बटर रेगुलर वाला, हाफ किलो का डब्बा लिया मैंने। अभी मैं आ गया बिलिंग काउंटर में, काफ़ी भीड़ है इसमें, लाइन में लगाना पड़ता है। 2 काउंटर है यहाँ पे, 4-5 बंद है, देखते हैं कहाँ पे आते। और मैंने लिया सर्फ, लिक्विड सर्फ नहीं था तो नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर लिया। और लेना है एक शैम्पू, तो ये छोटा ही मैं लेता हूँ, ट्रिस्मी का। रिलायंस मार्ट का काम अभी हो गया, अभी जो काटाड़ी मुझे लेना था और नाइफ लेना था, तो नतून बाज़ार में देखा मैंने वहाँ पे था नहीं, तो बड़ा बाज़ार में ट्राई करना पड़ेगा, देखते कहाँ पे मिलता है। तो काटाड़ी बाहर दुकान में कहीं पे मिला नहीं मुझे, तो बड़ा बाज़ार में कुछ आयरन का शॉप है जहाँ पे चाकू काटड़ी वगैरह मिलता है, वहीं पर देख रहा हूँ कहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किधर मिलता है। तो बड़ा बाज़ार का जो सब्ज़ी मंडी है उसी के अंदर से मैं जा रहा हूँ अभी। ये देखो सब्ज़ी मंडी, रोड का दोनों साइड में इस तरह का सब्जी बैठता है। यहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर भी है, लोगों को पूछ के जा रहा हूँ मैं, फिर बोल रहे आगे से मिलेगा, देखते हैं। कुछ दर्शकों का भंडार का शॉप है यहाँ पे। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मार्केट है, जो भवानीगंज बाज़ार बोलते हैं उसी के अंदर है ये। भवानीगंज बाज़ार का एक वीडियो मैं सेपरेटली बाद में बनाऊँगा, अभी टाइम नहीं है आज ज़्यादा, तो उसमें लिए डेडिकेटली टाइम चाहिए। ये आई थिंक मुझे दुकान ऑलरेडी मिल गया, ये आयरन का शॉप है, जो कटड़ी मुझे चाहिए था यहाँ पे सारे है, तो यही से मुझे लेना है। शॉप में हर तरह का, रूम का पे स्लिप का लॉक, जितना भी एसेंशियल चीज़ें घर का, चाकू नाइफ कटड़ी बेलनी चक्की सारे है। देखो इस तरह का बोटी दा क्या नहीं है इसमें। तो मैं ये वाला लिया, इसका प्राइस 40 रुपीज़ का है, वुडन का है, और आयरन का भी है, बट आयरन का जो रॉड पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला सही है। और मैं ये वाला नाइफ लिया, अभी मैं नाइफ ले लिया, अभी बाहर जा रहा हूँ। अब ये मार्केट का एक फैसिलिटी है, आप हर तरह का जो रोड है वो स्क्वायर का है, तो आपको जिधर से भी निकलना है आप निकल सकते हो, जिधर भी निकलोगे तो आपको जाके मेन रोड में उठेगा, तो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, सीधा निकलो तो बाहर। ये कपड़े का एरिया है, सारे क्लोथ्स वगैरह इधर मिलते हैं। मैं अलग से कुछ वीडियो नहीं कर रहा हूँ, बस बाहर निकल रहा हूँ, निकलते निकलते जो रोड पर मिल जाए दिखा रहा हूँ आपको। ये मितारी स्टोर से, काफ़ी पुराना स्टोर से है। आ गया मैं बाहर रोड पे, अब यहाँ से टोटो करके मैं निकल जाऊँगा। ये देखो VIP का शोरूम है, सारे VIP कंपनी का जो बैग होता है, हाई क्लास का बैग सब यहाँ पे है। यहाँ का सबसे फेमस जो स्वीट का शॉप है सम्राट शॉप, वही फेमस है यहाँ के, तो आज अंदर नहीं दिखाता हूँ, कोई और दिन दिखाएंगे ब्लॉग में। यहाँ पे टोटो मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नो एंट्री जोन है, कोई टोटो अंदर जाता है तो बाहर नहीं निकाला जाता है। तो मुझे फाइनली एक टोटो मिल गया, ये है कोच विहार होटल। ये 10 पे 10 टाउन में सबसे बड़ा कॉस्मेटिक शॉप है। ये खादिम का शोरूम, ये लौकी स्त्री का काफ़ी सारा ब्रांच मार्केट में अलग अलग जगह में। ये राजकुनवार,
कि युवराज होटल काफ़ी बड़ा होटल है अपना डिस्ट्रिक्ट का। ये है कांता गारमेंट्स, ये दत्त ज्वेलरी जो बहुत पुराना एक गोल्ड का शॉप है, डायमंड्स भी मिलता है यहाँ पे। ये होटल हिलोड़ा, ये जुबा होटल इतना बड़ा है, इस तरह का होटल ये भी है। और ये सैलून है नवाब सैलून, उसके हाई फाई सैलून है यहाँ का। ये साइकिल का शॉप है, मैं यहाँ से मेरा साइकिल ही परचेस किया था बट वो तो चोरी हो गया। तो ये जो मोड़ आ गया हमने, ये हरीशपाल मोड़ आ गया। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहे, पहले यहाँ पे छोटा छोटा शॉप था, तो शॉप सभी तोड़ दिया, अभी तोड़ के ये पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और यहाँ पे लक्की नारायण मसाला है जो काफ़ी स्टैंडर्ड क्लोथ्स वगैरह यहाँ पे मिलता है, और प्राइस भी कंपेयर टू अदर मार्केट कम ही रहता है। ये तनिष्क, इसका भी नया ब्रांच खुला है यहाँ पे। ये नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल है, स्कूल का हॉस्टल है ये लेडीज़ का। यहाँ पे छोटा करके जो आगे का टीन शेड दिख रहा है यहाँ पे, वो है मेट्रोपोलिटन नर्सिंग होम, और आगे सीधा एमजेएन हॉस्पिटल। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका एटीएम भी साथ में लगा हुआ है। ये पर्पल लोटस क्लिनिक, जो इसमें काफ़ी सारा डॉक्टर बैठता है, स्पेशली बच्चों का जो परीक्षित डॉक्टर है यहाँ पे, फेमस डॉक्टर, वो भी यहाँ बैठते हैं। इधर SBI का ATM, एक हिमालय का जो सनग्लास होता है ऑप्टिकल, उसका स्टोर है। ये इंडियन बैंक, और लेफ्ट में ये मदन मोहन बाड़ी है। हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ से, मेरा घर नज़दीक है 100 मीटर की दूरी में। ये बोजा की दीघी, ये जो पीकेशा हॉस्पिटल जो शिला नर्सिंग होम है उसका गली है। इस एरिया में आपको मेडिकल शॉप, सारे डॉक्टर वगैरह यही बैठता है सारे। ये है घोष मेडिकल, अभी ये तेतुल तला है, तेतुल घास का बस इसका नाम तेतुल तला रख। अभी मेरा सारे शॉपिंग कंप्लीट हो गया, अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो ये टोटो में हम लोग यहाँ पे जाते, कहीं भी जाते, तो घर यहाँ से नज़दीकी है, 100-200 मीटर में ही है। बट सामान है मेरे पास ना, गाड़ी बैग है, तो इसलिए मैं टोटो में ही जा रहा हूँ। 10 रुपीज़ का भाड़ा होता है, टाउन में आप कहीं भी जाओ 10 रुपया लेता है, थोड़ा अगर दूर जाओगे तो 20, बट नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज़ ही है यार। ये पूरा मेरे घर का आसपास का एरिया है, पूरा मेडिकल एरिया है, सारे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल शॉप, ये सब है। यहाँ पे देखो, ये टी पाल का नर्सिंग होम है, रीतरी हेल्थ का बोलता है इसको। ये स्टार है ऊपर जो दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, ये मेरा जिम है स्टार का ऊपर। ये नवीन बाजार एरिया हम आ गए हैं, जब लेफ्ट लेंगे तो मेरा घर। ये रोड में अनाम का स्कूल भी पड़ता है, ये अनाम का स्कूल है। बस ये गली मेरा घर का, ये जिला परिषद ऑफिस, आ गया घर। यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया, नीचे पड़ा था, मुझे कॉल ही नहीं किया अमेजन से। ये पूरा एरिया CCTV कैमरा से बड़ा हुआ है, हर फ्लोर में CCTV है। यहाँ पे मेरा साइकिल था पहले, उस टाइम कुछ दिन के CCTV खराब था, उसी टाइम मेरा साइकिल चोरी हो गया। बैड लक आ गया घर। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। अभी शाम में हम लोग घूमने जा रहे, तो अभी हम लोग जाने वाले। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घूमने आया दीदी का घर में, तो अनम आके खेल ले। वो अनम को आज स्पाइडरमैन मिला। अनम स्पाइडरमैन देखा, शो स्पाइडरमैन इन मोबाइल नहीं दिखाएगा वो, देखा मुझे दिखा। तो हमने जब रोड पे था तो अपना वीडियो ऑन नहीं किया मैंने, अनम सो गया था, तो मैं अभी वीडियो ऑन कर रही हूं। अभी टाइम हो रहा है 7। और ये है अनिशा लिया, हम लोग का ये अनम का दीदी है लिया, इसके घर में आया। तो अनम खुश है बहुत ही दीदी के साथ मिल के। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग दीदी का घर में आया, तो उसमें खाना बनाने रहे अभी हम लोगों के लिए। तो क्या बना रही है, चिकन कोसा बनाएंगे, और इधर है ये पुलाव, ये राइस कुकर में पुलाव बन रहे, बहुत ही खुशबू आ रही इसका। और इसमें मसाला ऑलरेडी भुनाने लगी, तो मसाला जब अच्छी तरह से भुनाना होगा, उसके बाद चिकन ऐड करेंगे। फिर चिकन ऐड करके फिर दोबारा चिकन के साथ भुनाएंगे। और इधर चिकन मैरिनेट करके रख दिया, मसाला होने के बाद, रेडी होने के बाद चिकन ऐड करेंगे।
ये है पुलाव का फाइनल लुक। वाओ, सो यामी पुलाव बन गया। अभी लास्ट में घी ऐड कर दिया ऊपर, देखिए। तो मैंने तो इस तरह का पुलाव कभी नहीं खाया, पहली बार खाएंगे, क्योंकि मैं अलग तरीक़े से बनाती हूँ, एक एक लोगों का एक एक तरीका होता है। तो ये बहुत ही यामी होगा शायद। हाँ, टेस्ट करके फिर आप लोगों को बताएंगे कैसे खाने के टाइम। हम जंपिंग कर रहे क्योंकि उसको दीदी का घर में आके बहुत ही तब से जंपिंग कर रहे, घूम रहे। क्या खुले? ओके, रुको रुको, दीदी के कीपी खोलना है, फिर आदम के। आदम फर्स्ट आई है, वाह वाह वाह, आदम तो फर्स्ट आई है। किसका मेडल है? किसका मेडल है लिया आना? इसको खोलो, मेरा इसको खोलो। क्या सब बातें।